लहसुन डाला है और नमक डाल के 2 से 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये मैंने 2 कटी बाटू ली है, इसको मैं अलहदा से धो के बॉईल कर लेती हूँ। बाथू अच्छी तरह बॉईल हो गया, मैं इसको स्ट्रेन करके साग में डाल दूंगी। बाथू का पानी कड़वा होता है इसलिए उसको मैंने निकाल दिया और अब ये तीनों चीजें मिक्स है। अभी भी इसको 2 घंटे लगेंगे मज़ीद। ये मैंने 1 प्याली मिर्चें ब्लेंड की हैं, अब मैं ये डाल रही हूँ हरी मिर्चें। साग तकरीबन पक चुके हैं, अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून आटा डालूंगी। कोई सा भी आटा डाल सकते हैं, मकई का डाल लें, गंदम का डाल लें। 2 चम्मच डालें और ये 3 4 चम्मच आटा डाल लिए और अब अच्छी तरह से घुटाई करनी है। बहुत ही मुलायम है साग, थोड़ी देर में इसको घोलती हूँ।